So this is our question number 7. Show that the parametric equations x is equal to a t square, y is equal to 2at represent the equation of the parabola y squared is equal to 4ax. तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या हैं? व्हाट आर पैरामेट्रिक इक्वेशंस? देखिए अभी तक हमने ये देखा था कि फंक्शन में हमारे पास यूजुअली टू वेरिएबल्स होते हैं x एंड y, और यूजुअली यहाँ पे y x पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी y x का फंक्शन होता है। लेकिन बस का तो हमारे पास ऐसा होता है कि किसी भी फंक्शन में x और y जो हैं वो दोनों किसी एक थर्ड वेरिएबल के फंक्शन के तौर पे लिखे होते हैं, यानी वो x और y दोनों जो है वो किसी एक थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, और उस थर्ड वेरिएबल को हम पैरामीटर कहते हैं, और इस तरह की रिलेशनशिप को, ये इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। जिस तरह देखें यहाँ पे x इक्वल टू ए टी स्क्वायर में यहाँ पे x को भी एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा हुआ है, x डिपेंड्स ऑन t, और यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा हुआ है, y इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन t, ठीक है। तो अब ये दोनों जो है ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, हम और हमने ये प्रूव करना है, ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए यहाँ पे ये सिंपल एक्स वाई में इक्वेशन है, यानी एक कार्टेशियन इक्वेशन है। तो अब हमने बेसिकली इन दो इक्वेशन से ये इक्वेशन जो है वो प्रूव करेंगे। तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि हमने गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन में से जो पैरामीटर है, जिस तरह की यहाँ पे टी है, उसको हमने एलिमिनेट कर देना है, तो हमारे पास ये कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, और y इज इक्वल टू 2at, सपोज ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ से हमने पैरामीटर t को एलिमिनेट करना है, तो सिंपल प्रोसीजर है, यहाँ किसी भी एक इक्वेशन से हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास t एलिमिनेट हो जाएगा और रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखें या इनमें से कौन सी क्वेश्चन में से t की वैल्यू फाइंड करना इजी है, यहां से देखिए इस क्वेश्चन से यहां t की वैल्यू आएगी y by 2a is equal to t, ओके, तो ये t की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, 1 में, तो पुट इन 1, तो ये t की वैल्यू उठा के अब हम यहां प्लग इन कर दें, तो हमारे पास 1 इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो इक्वेशन 1 जो बनेगी x is equal to a t square, x इज इक्वल टू ए एंड टी स्क्वायर, तो t की जगह पे आ जाएगा y by 2a, so y by 2a whole square। अब सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू a टाइम्स y by 2a होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा जी y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये a, यहाँ से एक a से कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 4a रह जाएगा, और हम 4a को यहाँ शिफ्ट कर दें, 4a times x is equal to y squared, so this implies y squared is equal to 4ax, ये हमारे पास required equation आ गई। तो given parametric equation से हमने Cartesian equation prove करनी थी, यहाँ पे लिखा हुआ ये equation of parabola है, parabola basically graph है, ये इस तरह का graph होगा, अगर हम graph draw करें x axis y axis पे, तो parabola जो basically इस तरह का ये graph है, y squared is equal to 4ax का इस तरह का graph, इस graph को हम parabola कहते हैं, ओके। फिर हम आते हैं सेकंड पार्ट में भी, हमने देखें पैरामीट्रिक इक्वेशंस दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, तो यहां पे इन पैरामीट्रिक इक्वेशन में पैरामीटर कौन सा वेरिएबल है, देखिए यहां पे x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है, x डिपेंड्स ऑन थीटा, सिमिलरली y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा यहां पे जो है ये पैरामीटर है, तो यहां से हमने थीटा को एलिमिनेट कर देना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये इक्वेशन बेसिकली इसका जो ग्राफ है वो एक ओवल टाइप ग्राफ है, और उसको हम कहते हैं एलिप्स, तो ये हमने प्रूव करना है कि इन पैरामीट्रिक इक्वेशन से ये इक्वेशन आती है, सो लेट्स प्रूव इट। तो यहां हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, ओके, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ओके, तो थीटा कैसे एलिमिनेट होगा,
तो याद रखें कि जब भी साइन और कॉज आ जाते हैं तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। देखिए जब भी हमारे पास थीटा में इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो वो वन होता है, तो इस तरह हमारे पास थीटा जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो हम इस तरह का रिलेशन यहाँ से इन दो इक्वेशन से लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे ये आ सकता है, देखिए अगर मैं दोनों इक्वेशन को दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएंगे, और फिर उनको मैं अगर ऐड कर दूं इस तरह थीटा जो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां से बेसिकली मैंने कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर लाना है। तो देखिए उसके लिए थोड़ा सा पहले इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन वन को हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, ताकि हमारे पास सिंपली कॉस थीटा और साइन थीटा रह जाए। इस तरह अगर यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो वाई बाय बी इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, ये हमारे पास वन और टू को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो नई इक्वेशन आई हैं इन इक्वेशन को दोनों तरफ अब हम क्या करेंगे इनके स्क्वायर्स लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन है x बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा का स्क्वायर, सिमिलरली y बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू sin थीटा का स्क्वायर विच इज sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा एंड y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। अब ये नई इक्वेशंस आ गई हैं, सपोज दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन। सो नाउ एट थ्री एंड फोर, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें, किस तरह ऐड करेंगे, देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपस में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड आपस में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, वन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये हमने प्रूव करनी थी। इसी तरह आप जो थर्ड पार्ट है तो यहाँ पे भी देखें x इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस में थीटा जो है वो अगेन पैरामीटर है और थीटा को हमने एलिमिनेट कर। तो इसी अप्रोच से हम जो है वो यहाँ पे भी थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम करेंगे थर्ड पार्ट, यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा एंड y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। यहाँ से भी देखें फर्स्ट इक्वेशन को मैं अगर सेकंड थीटा के लिए सॉल्व कर लूँ, x बाई ए इज इक्वल टू सेकंड थीटा, यहाँ से y बाई बी इज इक्वल टू टेन थीटा। अब उसी तरह अगर हम इन दोनों इक्वेशन को दोनों साइड पे स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, तो x स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वेयर थीटा। तो अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सो दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू ऑफ वन एंड टू, तो वन ये बन जाएगी, और सेकंड को भी अगर हम दोनों साइड पे स्क्वेयर करें तो क्या बन जाएगा, y square over b square is equal to 10 square theta. So again this is third equation and this is our fourth equation. ये थ्री और फोर आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो बेसिकली अब हमने यहाँ पे माइनस करने हैं दोनों को। तो फर्स्ट इक्वेजन, सो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ओके, सो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा। अब आपको याद होगा सेकंड स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता था ट्रिग्नोमेट्री में, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, टू, तो ये इक्वेशन हमने लानी थी। ओके, इसका जो ग्राफ होगा इस इक्वेशन का, ठीक है, वो उसका जो नाम होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरबोला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन।
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव द आइडेंटिटीज। तो ये आइडेंटिटीज हमने यहाँ प्रूव करनी है और ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो आपको याद होगा कि जब हमने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शंस की टाइप्स को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिस्कस किया था कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो हमने कहा था ये होता है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स ओवर टू। और इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है जी, ई टू द पावर एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर टू, ये होता है। ठीक है, अब फर्स्ट आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी है। तो अब देखिए इसमें हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड विच इज टू टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और यहाँ पे हम साइन हाइपरबोलिक और कॉस को उनकी जो डेफिनेशन है, उनकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा, ई टू द पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर टू। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर टू। ओके, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, इनको मल्टीप्लाई कर दें। देखें ये ए माइनस बी, ए प्लस बी सेम टर्म्स हैं, नेगेटिव का फर्क है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे फोर हो जाएगा, नीचे फोर हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा टू टाइम्स, ये हो जाएगा ई टू द पावर टू एक्स एक्स ई एक्स होल स्क्वायर, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होकर एक्स टाइम्स टू इज टू एक्स, e टू द पावर माइनस टू एक्स ओवर फोर। ओके, और यहाँ पे देखें ये टू और ही फोर कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स माइनस ई सॉरी टू एक्स माइनस ई माइनस टू एक्स ओवर टू। अब देखें ये क्या चीज़ है, याद रखें कि जब यहाँ पे x हो तो यहाँ पे भी x आता है, जब यहाँ पे 2x हो यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2x होगा, तो दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x। साइन इसलिए कि यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये चीज़ है, और यहाँ पे अगर 4 4 होगा तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक 4x होगा, तो जो भी x कोफिशियंट होगा यहाँ वो यहाँ भी होगा, तो ये साइन हाइपरबोलिक 2x विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने देखें राइट हैंड साइड ली और हमने लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल प्रूव किया। इस तरह हम सेकेंड आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। तो सेकेंड आइडेंटिटी जो है इसमें भी हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ये है वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। टेन हाइपरबोलिक किसके इक्वल होता था, साइन और कॉस की रेशियो होती है, तो टेन हाइपरबोलिक होता था ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ये टेन हाइपरबोलिक होता था। यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम इसका स्क्वायर करें। ओके, सो वन एज इट इज माइनस, अब इसका स्क्वायर करें तो ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर अलग से करेंगे, और यहाँ नीचे जो है वो ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर हम अलग से करेंगे। ओके, और यहाँ अगर हम इसके नीचे क्योंकि वन है तो एलसीएम लें यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए स्क्वायर को एक्सपेंड करें ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला से, ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर। इस तरह माइनस यहाँ पे क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ई एक्स ई माइनस एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम स्क्वायर एक्सपेंड नहीं करते, इसी तरह लिख देते हैं इसको। अब क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखें एक्स और स्क्वायर दो पावर्स हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी टू टाइम्स एक्स, तो ई टू द पावर टू एक्स
फिर प्लस टू, अब यहाँ पे देखें ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, बेसिकली सेम बेसिस हैं, तो पावर एड होके सब्ट्रैक्ट होके ई की पावर जीरो विच इज वन, वन हो जाएगा, तो टू टाइम्स वन इज टू, और यहाँ पे फिर अगेन ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर तो माइनस टू एक्स, यहाँ माइनस है तो साइन भी चेंज होते जाएंगे, माइनस ई टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू टाइम्स, ये भी वन है और ये माइनस हो जाएगा, माइनस ई माइनस टू एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करें देखें, ये दो टर्म्स आपस में कट जाएंगी, ये दो टर्म्स आपस में कट जाएंगी, तो क्या रह जाएगा, फोर ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर। इस पूरे को अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं टू ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या चीज़ है, टू ओवर दिस, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेकंड हाइपरबॉलिक, सेकंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो वन माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, तो ये हमने प्रूव करना। नाउ द लास्ट आइडेंटिटी, थर्ड, यहाँ पे भी हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड विच इज कॉट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब कॉट किसके इक्वल होता था, टेन का रेसिप्रोकल है, ये कॉस ओवर साइन है, तो ये होता था ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, ये कॉट हाइपरबॉलिक होता था। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, स्क्वायर करें अलग अलग, तो ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स यहाँ अलग स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे अलग स्क्वायर कर लेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस आइडेंटिटी में किया था, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, तो अगेन e टू द पावर x का स्क्वायर e टू द पावर 2x, फिर प्लस टू टाइम्स ई एक्स इंटू ई माइनस एक्स, फिर प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर e टू द पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा, फिर माइनस, और यहाँ पे भी ई एक्स का स्क्वायर e टू द पावर 2x, यहाँ a माइनस भी होल स्क्वायर है तो माइनस टू ए बी, माइनस टू टाइम्स ई एक्स ई माइनस एक्स, और फिर प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर तो e टू द पावर माइनस टू एक्स, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज, e टू द पावर 2x प्लस टू टाइम्स, अब ई एक्स इंटू ई माइनस एक्स तो ये वन हो जाएगा, तो टू टाइम्स वन इज टू, प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स, माइनस साइन रिवर्स होते जाएंगे, माइनस माइनस प्लस टू, और ये वन है, टू टाइम्स वन इज टू, और ये माइनस ई माइनस टू एक्स, यहाँ पे ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, यहाँ पे देखें ये इसके साथ कट जाएगा और ये इसके साथ कट जाएगा, तो फोर ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसको अगर पूरे फ्रैक्शन को स्क्वायर में लिखें तो ये हो जाएगा टू ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये क्या चीज़ है देखें, ये साइन का रेसिप्रोकल है विच इज कोसेकेंड, कोसेकेंड हाइपरबॉलिक और स्क्वायर है, कोसेकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह अब हमने ये तीनों हाइपरबॉलिक आइडेंटिटीज को प्रूव कर दिया। अब हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, विच इज आइडेंटिफाइंग इवन एंड ऑड फंक्शंस। अब हमें फंक्शंस दिए हुए और हमने चेक करना है कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा ऑड है, यानी आइडेंटिफाई करने के कोई भी गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है। बस कभी ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जो ना तो इवन और ना ऑड हो। देखिए फर्स्ट फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स। याद हो आपको के इवन और ऑड की डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि कोई भी फंक्शन इवन कब होता है, कि जब एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें तो फिर भी वो फंक्शन वापस वही है, एफ ऑफ एक्स
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन क्या होगा? इवन। और अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट करें, वही फंक्शन वापस आए बट विद नेगेटिव साइन, जिसको हम कहेंगे ये ऑड। तो ये इवन और ऑड की डेफिनेशंस। तो चेक करने के लिए बेसिकली हमने ये करना होता है कि हमने x की जगह माइनस एक्स प्लग इन कर देना है और आगे प्रोसीड करना है। ये इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूं, ट्रिक कि जब भी आपके पास कोई पॉलीनोमियल फंक्शन हो इस तरह, तो आपने उसकी पावर्स को देखना है। विदाउट डूइंग दिस आप पता लगा सकते हैं कि वो इवन है या ऑड है। जिस तरह देखें, यहाँ पे यहाँ x की पावर है 2 विच इज इवन, और यहाँ x की पावर क्या है 1 है। आप देखिए इसमें ऑड भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है। तो जब भी आपके पास पॉलीनोमियल में इवन और ऑड मिक्स आ जाएं, तो वो फंक्शन ना तो इवन होगा ना ऑड होगा। अगर उसमें सारी पावर्स इवन आ जाएं तो वो इवन होगा, और अगर सारी पावर्स ऑड आ जाएं तो ऑड होगा। अब देखिए मैंने पहले बता दी कि इसमें अब इवन और ऑड दोनों पावर्स आ रही है, तो ये ना इवन होगा ना ऑड होगा। तो अब चले अब हम इसको इस डेफिनेशन से चेक कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे देखें x की जगह मैं अगर माइनस एक्स पुट करूँ तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? यहाँ x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा? अब माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स। अब देखें ये ना तो वही फंक्शन, अब जो फंक्शन आया ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं है। इस तरह अगर मैं माइनस कॉमन लेके भी देखूं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाता है। अब ये ना तो ये केस बन रही है ना ये केस बन रही है, तो ये क्या होगा? ये होगा नाइदर इवन नॉर ऑड। ये फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर। देखिए इसको अगर हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी देख सकते हैं, अगर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सपेंड करो तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे भी अगर मैं शॉर्ट ट्रिक यूज करूँ तो देखें यहाँ पे पावर इवन है, यहाँ x की पावर ऑड है, यहाँ x की पावर 0 फिर इवन है, तो मिक्सड है इवन ऑड। तो ये फंक्शन अगेन ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा। चलिए अब चेक करके देख लेते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं यहाँ प्लग इन करता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वेड प्लस 4 टाइम्स माइनस एक्स प्लस 4, ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वेड माइनस 4x प्लस 4। अब देखें वो फंक्शन वापस नहीं आया। इस तरह अगर मैं माइनस कॉमन लेके भी देखूँ तो देखें फिर भी वो फंक्शन वापस नहीं आएगा। इट मीन्स अगेन नाइदर केस, तो नाइदर इवन नॉर ऑड। अब हम आते हैं थर्ड फंक्शन, अब देखिए थर्ड फंक्शन में हम ये ट्रिक इस तरह इजीली नहीं कर सकते, वो सिर्फ पॉलीनोमियल फंक्शन के लिए। जब आपके पास सिंपल एक पॉलीनोमियल हो, इवन जब आपके पास एक्स की पावर जो है वो सिर्फ होल नंबर्स हो, इसमें हम इसी टेक्निक को यूज़ करेंगे कि अब हमारे पास देखें एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स टाइम्स एक्स स्क्वेड प्लस 5। अब हम एक्स की जगह माइनस एक्स प्लग इन करके देखते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेड प्लस 5 होल स्क्वायर रूट, तो बन जाएगा माइनस एक्स और ये बन जाएगा एक्स स्क्वेड प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब देखें माइनस के बाद वापस वही फंक्शन आ रहा है, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स है। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो दिस इम्प्लाइज this function is odd, this implies f of x is odd, ये function हमारा odd है, ठीक है? तो ये neither था, ये भी neither, neither case, और ये odd। अब हम इसको check कर लेते हैं, 4, ये 3 था, 4, f of x is equal to x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। इसमें भी अब हम x की जगह माइनस x पुट करके देख लेते हैं, तो माइनस x माइनस 1 माइनस x प्लस 1, वो फंक्शन तो नहीं आया, लेकिन अब माइनस कॉमन लेके देखते हैं। ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो बनेगा x प्लस 1, और यहाँ यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा
x माइनस वन। देखिए माइनस माइनस पर कट जाएगा, तो ये मेरे पास वापस वो फंक्शन नहीं आता। तो ये भी क्या होगा, जिस नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, नाइदर केस होगा। सो नाइदर इवन नॉर ऑड। देखिए एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो वापस वो फंक्शन भी नहीं आ रहा, नेगेटिव साइन के साथ भी नहीं आ रहा। तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन फाइव। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर टू बाय थ्री प्लस सिक्स। तो अगेन x की जगह माइनस एक्स प्लग इन करें तो माइनस एक्स टू द पावर टू बाई थ्री प्लस सिक्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स टू द पावर टू बाई थ्री, इसका मतलब ये है कि ये माइनस एक्स स्क्वेयर टू द पावर वन बाई थ्री, इस तरह लिख सकता हूँ इसको, अलग अलग पावर कर ली मैंने। अब देखें माइनस एक्स का स्क्वेयर करने से ये अगेन एक्स स्क्वेयर हो जाएगा पावर वन बाई थ्री प्लस सिक्स। ये दोबारा से एक्स टू द पावर टू बाई थ्री प्लस सिक्स विच इज इक्वल टू द फंक्शन, अगेन वापस वही आ गया। तो ये क्या होगा, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इवन। ओके अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसको भी यहां पे एक्स की जगह माइनस एक्स प्लग इन करके देख लेते हैं। तो सिक्स पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें, माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब देखिए ऊपर यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन। देखें वापस वही फंक्शन आया बट विद नेगेटिव साइन। So this is equal to negative of f of x. So this implies f of x is odd. Done. तो इस तरह अब हम इस किसी भी फंक्शन को चेक करना हो कि वो इवन है या ऑड है तो हम वहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x की जगह माइनस एक्स प्लग इन करके देखेंगे। अगर आंसर वापस वही फंक्शन आता है तो वो इवन होगा, और अगर वही फंक्शन आता है बट विद नेगेटिव साइन तो वो ऑड होगा। अगर इनमें से कोई सिचुएशन नहीं आती वो ना तो ऑड होगा ना ही इवन होगा। और फिर एक और ट्रिक मैंने आपको बताई है कि जब आपके पास सिंपल एक पॉलीनोमियल फंक्शन हो, यानी जब एक्स की पावर्स होल नंबर्स हों, तो आपने उनकी पावर्स को देखना है। अगर थ्रू आउट पावर्स जो है वो इवन है तो फंक्शन इवन होगा, और अगर थ्रू आउट पावर ऑड है तो वो ऑड होगा, और अगर इवन और ऑड मिक्स्ड पावर्स हैं तो वो ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हों या आपको कोई प्रॉब्लम्स हों या कोई क्वेश्चन समझने में आपको प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसके साथ हम फ्यूचर में लाइव सेशंस, लाइव क्लासेस भी रखेंगे कि जिसमें हम पहले आर्टिकल्स में आपको डिस्कस करवाऊँगा, पढ़ाऊँगा, और उसके बाद जब हम एक्सरसाइज पर आएंगे तो एक्सरसाइज जो है वो हम लाइव सेशन के दौरान जो है वो सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। तो इस तरह फ्यूचर में हमारी क्लासेस जो है वो हम कंडक्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।